किस्सा है सुनहरी शकरकंद का। ये नाम भी हमारा ही दिया हुआ है, सुनहरी शकरकंद। इसको अंग्रेजी में गोल्डन स्वीट पोटैटो कहा जाता है, वो भी नाम हमारा ही दिया हुआ है। लेकिन जहाँ से आई है ये सुनहरी शकरकंद, ये दक्षिणी अमेरिका का एक देश है पेरू, तो पेरू से इसकी शुरुआत हुई है सुनहरी शकरकंद की। और वहाँ पे ये OFSP कहते थे, ऑरेंज फ्लैश स्वीट पोटैटो। तो फ्लैश शब्द हमको कुछ मांस का वो देता था भ्रम, इस नाते हमने कहा कि इसको ये OFSP या ऑरेंज फ्लैश स्वीट पोटैटो ये ठीक शब्द नहीं है। तो उसको हमने बदल के अंग्रेजी में गोल्डन स्वीट पोटैटो और हिंदी में सुनहरी शकरकंद किया। नाम इसलिए कि अपने वहाँ की जो शकरकंद है, जिसको कि यहाँ देसी भाषा में गंजी भी कहते हैं, या कहीं बिहार में अलुआ या कोन भी कहा जाता है, देवरिया बलिया और इन कुछ ज़िलों के हिस्सों में उसको कोन भी कहा जाता है। तो अपने वहाँ का जो शकरकंद है उसका छिलका सफ़ेद भी होता है, कुछ छिलका हल्का कुछ लाल भी होता है, लेकिन दोनों के दोनों का गूदा जो है वो सफ़ेद रंग का होता है। और उसका कारण ये है कि इसमें बीटा कैरोटीन, या अगर ऐसे बोलें मोटी भाषा में तो विटामिन ए, तो विटामिन ए अपने वहाँ की जो शकरकंद है उसमें शून्य है, इसकी मात्रा शून्य होती है। लेकिन जो जिसको हम पेरू से की उत्पत्ति बता रहे हैं, उसका चाहे छिलका सफ़ेद हो, हल्का पीला हो या हल्का लाल हो, लेकिन सबका गूदा एकदम पके पपीते जैसा होता है। पपीता या यूँ समझिए कि जो गाजर होती है सलाद में खाने वाली, उसके रंग का होता है। और उसका रंग है उसी पिगमेंट जो है बीटा कैरोटीन के नाते। बीटा कैरोटीन जब हम खाते हैं तो हमारे लीवर में ये बीटा कैरोटीन विटामिन ए में बदल जाता है और वहीं लीवर में हमारे संग्रहित होता है। तो लीवर कुछ हमारे जो गाड़ी का रिजर्व टैंक होता है उसकी तरह है कि जितना शरीर को ज़रूरत होती है उतना जाता रहता है, वहीं से खून में जाता रहता है। तो आप कहेंगे कि आखिर ये विटामिन ए की इसकी क्या आवश्यकता हुई। विटामिन ए हमारी आँखों में जब पुतली के ऊपर रेटिना के ऊपर जलता है, जब भी हमको रंग दिखाई देता है। अगर इसकी कमी होती है तो सिर्फ जो काला सफ़ेद फोटो होता था उसी तरह से दिखाई देगा। ज़्यादा कमी होने पर रतौंधी हो जाती है, रतौंधी, रात को दिन डूबते ही दिखाई देना बंद हो जाता है, जो कि अक्सर वृद्ध लोगों में या गर्भवती महिलाओं में ये बीमारी होती है। गर्भवती महिला के पेट में जो बच्चा पल रहा है, अगर महिला को विटामिन ए की बहुत कमी है तो बच्चा जन्मांध पैदा होगा, उसकी आँखें ही नहीं बनेगी ठीक से। तो इतना महत्वपूर्ण है विटामिन ए। अब विटामिन ए जो दिया जाता है या खाया जाता है, वो अधिकांश जो है जो रंगीन चीज़ें हैं प्राकृतिक रूप से आने वाली, ये रंगीन मिठाई की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम तो रंगीन गाजर, रंगीन टमाटर, रंगीन फल जैसे पपीता हुआ या आम हुआ इनका, और कुछ तो तमाम ये जो जीव के सोर्स साधन हैं, उदाहरण के तौर पर मुर्गी का अंडा या लीवर, कलेजी, इन सबों में होता है विटामिन ए। लेकिन जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए विटामिन ए के स्रोत गाजर है, पका हुआ पपीता है, पका हुआ आम है, साग है, इन सबों का होता है। अब सवाल ये है कि ये सब होने के बावजूद भी अपने इस पूर्वांचल में 65% तक बच्चे जो हैं कुपोषित हैं, उनमें विटामिन ए की कमी है, और इसीलिए उनको आँखों की तमाम बीमारियाँ होती हैं, या उनको उनमें जो बीमारियों से लड़ने की शक्ति होती है वो नहीं होती है। कई साल पहले आपने खूब पढ़ा होगा अखबारों में कि पूर्वांचल में डायरिया से बच्चे मर रहे हैं, पेचिस से बच्चे मर रहे हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक काम नहीं करता। अब मरना बंद हो गया क्योंकि अब डॉक्टरों को पता हो गया है कि पहले वो विटामिन ए की 2 बूंदें देते हैं, उसके बाद अगले दिन से फिर वो एंटीबायोटिक देते हैं, तो बच्चा मरता नहीं, बच जाता है। अब सवाल है कि महंगी चीज़ें हैं, आजकल सरकार भी एक कार्यक्रम चला रही है, और आपको जान के ताज्जुब होगा कि एक खुराक देने का जो
विटामिन ए देने का गोरखपुर जिले अकेले में 85,000 रुपये का बजट है और ये खुराक हर हफ्ते देनी है, हर हफ्ते। अब बताइए कितना लंबा चौड़ा बजट हुआ। मैं कहता हूँ इस बजट की कोई आवश्यकता नहीं है अगर सुनहरी शकरकंद को बढ़ावा दिया जाए। हम जिस समय अफ्रीका के एक देश है युगांडा है, वहाँ हमने देखा था और वहीं से पहला खेप हम ले आए थे यहाँ सुनहरी शकरकंद की। बाद में कीनिया और पेरू से और दूसरे कुछ 100 वैरायटीज हमने मंगाई यहाँ पे, उनको टेस्ट करके अभी हमारे पास 3-4 सुनहरी शकरकंद की वैरायटीज हैं और वो PRDF संस्था गोरखपुर के पास उपलब्ध हैं। लोग इसको यहाँ से मंगा सकते हैं और उसमें सिप 440127 है, ST14 है, VA43 है, PRDF 1-15-2-1 है। तो ये प्रजातियाँ इनकी लतर हमारे पास उपलब्ध है और लोग यहाँ से ले जाके खेती करें, इसको बड़ी पैदावार होती है। एक एकड़ में 100 क्विंटल कौन फसल देगी आपको 100 क्विंटल, तो 100 क्विंटल पैदावार इसकी होती है। और इसको लगाएं, खाएं, बाजार में बेचिए और पूरा सबका जनता का भला होगा। तो विटामिन ए की कमी दूर करने का सबसे सस्ता, सबसे सुलभ और सबसे टिकाऊ उपाय है जिसमें कि सरकार का एक पैसा नहीं खर्च होगा। फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि गोरखपुर में 85,000 रुपया एक खुराक देने का है बच्चों को विटामिन ए का। अब सोचिए 1 × 4 85,000 × 4 × 12 इतना हर साल खर्च होगा और सिर्फ सुनहरी शकरकंद का इस्तेमाल बढ़ाने से ये खर्चा सरकार का पूरा बच जाएगा।